देख रहे हैं गंभीर न्यूज और मैं हूं प्रगति झा। आईएमसी दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी जुनैद रजा खान ने बरेली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता करके एक पार्टी के तमाम लोगों को पार्टी में विलय कराया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए गंभीर न्यूज। चैनल अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मकसद मेन ये है के जो बरेली के अंदर, यूपी के अंदर, इंडिया के अंदर नई नई प्रक्रियाएँ निकाली जा रही हैं, तो उन प्रक्रियाओं में मुस्लिम लोगों को या अन्य छोटी जाति वाले लोगों को दबाया जा रहा है। पूरे इंडिया में उसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली में बहुत ही जिम्मेदारी लेते हुए मौलाना तौफीकुल्लाह साहब ने शांति से बिल्कुल प्रदर्शन किया, कोई दंगा नहीं, कोई बवाल नहीं। मेरा नाम जुनैद रजा खान है, बताइए। मैं आईएमसी का प्रदेश प्रभारी हूँ। आज हम लोग जो यहाँ उपजा प्रेस में इकट्ठे हुए हैं, ये इसलिए हुए हैं क्योंकि आज माशाल्लाह नेशनल लोकमत पार्टी, जो कि चुनाव आयोग में एक रजिस्टर्ड पार्टी है, वो मौलाना तौफीकुल रजा खान साहब की कुर्बानियाँ, उनके जज्बे और उनके मकसद को अपना मकसद समझकर आज अपनी पार्टी को, अपनी बरेली इकाई को आईएमसी में विलय कर रही है। इसलिए आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और जितने लोग नेशनल लोकमत पार्टी के आज यहाँ पर हमारे सदस्यता ले रहे हैं, मैं उन सब का खैर मकदम करता हूँ। और मुझे इस बात की खुशी है, वो एक शेर हुआ करता था कि उसूलों पर जब आ जाए तो टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आज हम ख़याल लोग जो कि ये देख रहे हैं कि हुकूमत किस अंदाज से इस हिंदुस्तान की जो एक खुशबू है, इस हिंदुस्तान की जो एक खूबसूरती है, गंगा जमनी तहजीब है, उस पे कहीं ना कहीं आँच आने का काम कर रही है, उस नज़रिए को देखते हुए, उस हालात को देखते हुए जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो यहाँ की एकता करने वाले लोग हैं, एकता से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो एक हो रहे हैं और एक मकसद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब है उसको किस तरीके से बचाया जाए और हिंदुस्तान जो दुनिया का एक नुमाया गुलाब का फूल है उसकी खुशबू कैसे महकती है।